अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल। हमारे सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। सभी लोग ज्वाइन करते जाएं और चैट में अपना एक बार प्रेजेंस दर्ज करा दें। जी, अपने प्रॉमिस के मुताबिक जो हमने वादा किया था, हम आ चुके हैं इस टारगेट टेस्ट सीरीज में। जिन साथियों का कोर्स एक्सपायर हो जाए, वो दोबारा से रिपर्चेज कर लेंगे। मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करिएगा, क्योंकि इस समय काम का काफी बर्डन बढ़ा हुआ है आपके लिए। लिटरेरी फॉर्म्स और तमाम वो टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं। सपना जी हैं, सुमन जी, अजय जी और भी हमारे तमाम साथी, सभी का वेलकम है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्पीकर लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग। आप सभी साथी ग्रामर पढ़ करके आए हैं, है ना? और एक चीज और भी कहना है, थोड़ा सा सिचुएशन जिस तरीके से चल रही है, उस सिचुएशन में आप लोग ये मत पूछिएगा मुझसे कि सर एग्जाम के विषय में, ठीक है? कुछ दिन बाद अपने आप तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जिन्हें लगता है कि एग्जाम हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, वो पढ़ना शुरू कर दें। और जिन्हें लगता है कि अभी आयोग बताएगा तब पढ़ेंगे, तब आयोग की नोटिस आने के बाद वो पढ़ें। इट्स अप टू योर चॉइस। एंड जो साथी ये कहते हैं कि हमारी तैयारी बढ़िया हो चुकी है गुरुजी, जब एग्जाम डेट आएगी तो वही कहेंगे कि अब ज्यादा डर लग रहा है, और डर लगेगा भी। ठीक है, देखिए दीपा जी भी आ गए हैं, तो प्यार से जवाब करिए भाई, अभी तक बहुत कम आंसर आ रहे हैं। जी शिखा भी है, देखो भाई बहुत अच्छे। तो माय डियर, यहाँ क्वेश्चन का आंसर हमारे सभी साथी करें, अच्छा लगेगा मुझे। और राइट आंसर, आपने ग्रामर पढ़ी है तो डी आंसर है, यानी कि किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकल एरर नहीं है। क्लियर हो गई बात? आप पूरे इस सीन को ध्यान से देखें। बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है बहुत पहले, या अलॉन्ग का मतलब बहुत पहले, लेकिन वो अनिश्चित होता है। और यहाँ पर द स्पीकर में तो कोई मिस्टेक का बनता नहीं, टेंस भी सही है। तो आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बहुत ही प्यार से। वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन्स। ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया आपके लिए, फिर भी जवाब करेंगे। जी रमेश जी, माय डियर, आप सबको याद है कि जब डज नॉट आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वी वन का प्रयोग करेंगे और ऑप्शन सी लगाएंगे, रेन में एस नहीं लगेगा। द प्रेजिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश। इस क्वेश्चन में अंदर इंसर्ट करो द प्रेजिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश, और बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को समझना है, पूरे प्यार से और पूरे शिद्दत के साथ में। द प्रेजिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश। अब यही तो आप या तो सी आंसर लगाओगे और या आप लगाएंगे नो एरर, लेकिन मुझे पता है कि आप यहाँ 3 नंबर में सी आंसर लगाएंगे, और ये एकदम सही है। अब मुझे आप बताओ कि क्या इनको रिमूव करना है या इनके जगह कोई दूसरा प्रेपोजिशन आएगा? बी नहीं हो सकता है, सी ही होगा, ओवरटेक बांग्लादेश। नेक्स्ट, रिमूव इनको करेंगे, बहुत अच्छे। इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे सभी प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 4 में बेहतरीन आंसर करेंगे। कौन कह रहा है कैसे?
कैसे? अच्छा, कैसे का जवाब है ऐसे। चलो तेजी से आंसर करो, बहुत अच्छे। छोटी छोटी चीजों में लटकना नहीं, फंसना नहीं, उलझने आएंगी जीवन में, उनको छोड़ के आगे बढ़ते जाना। एक चीज में जो अटक गया वो लटक गया। तो राइट आंसर ध्यान रखिएगा, है ना, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद में हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये जो लीव है ये रॉन्ग है, यहाँ वी टू लेफ्ट लिख देंगे तो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत अच्छे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे सभी साथी तेजी से जवाब करेंगे। जी, यहाँ बी ऑप्शन होगा, मोर लगा है तो मोस्ट तो बनेगा नहीं, सीडी का प्रयोग होगा और मोर पॉपुलर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो फिल इन द ब्लैंक की ओर चलते हैं। और देखो, आप सभी लोगों से अब ये गुजारिश है कि 9 PM की क्लास को बिना कहे डेली देखिए, ठीक है? कल संडे को एक स्पेशल क्लास होगी, टाइमिंग आपके लिए एप्रोप्रिएट क्या रहेगी? 10 बजे से कर दें संडे स्पेशल। 10 बजे तो सब फ्री हो जाते हैं नाश्ता पानी से, है ना? 10 बजे से, केवल आपको बता दे रहा हूं ये चीज की लिटरेचर में क्या पढ़ के आना है, लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ के आइएगा और जितना पढ़ सकें इसके अलावा अच्छी बात है, और लैंग्वेज में सब कुछ पढ़ के आइएगा वैकब विशेष तौर से, ठीक है? क्वेश्चन कितना रहेगा वो हम डिसाइड करेंगे। सर ऐप का टाइम क्या रहता है? ऐप का तो डेली का टाइमिंग फिक्स है, एकदम फिक्स टाइमिंग है, 8 PM। लीजिए क्वेश्चन। प्रोक्रेस्टिनेटर इज टू टाइम एज एक्स्ट्रा वेगेंट इज टू स्पेंडिंग वेल्थ मनी स्टिंगनेस। बहुत ही सेंसिबल टाइप का क्वेश्चन है। खूब ज्यादा पढ़ाई करो इस समय, 5 घंटे 6 घंटे रिवीजन में पूरी जान डाल दो, इतना ही मैं कह सकता हूं, करना आपको पड़ेगा। देखो प्रोक्रेस्टिनेटर क्या होता है? जो देरी करता है, अभी नहीं फिर पढ़ लेंगे कुछ समय बाद, है अभी तो बहुत समय है, पता नहीं हो पेपर ना हो, पढ़े फालतू चला जाए, है साइड इफेक्ट हो जाए, जुकाम हो जाए, पढ़ाई से भी इतना डर लगता है कुछ लोगों को। समय से जो संबंध है टाइम से, एक्स्ट्रा वेगेंट फिजूल खर्च का वही संबंध मनी से है। सी आंसर राइट, वेल डन, बहुत अच्छा। डिवाइन इज टू अर्थ लीप एज इज टू सबलाइन। डिवाइन इज टू अर्थली एज सबलाइन, फुलिश वाइज सटिल रिडिकुलस। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है फुलिश और रिडिकुलस के बीच में, एक मूर्ख है और एक हास्यास्पद है, दोनों चचेरे भाई हैं, अंतर तो होगा ही। देखो फुलिश तो वही होता है क्या आंसर कर रहे हो आप? वाइज सबलाइन। अच्छा देखो, पहले क्वेश्चन समझा करो, नहीं तो चले जाओगे फिर बाउंस। कह रहा है कि डिवाइन का जो संबंध अर्थली से है, अर्थी तो डिवाइन मतलब होता है दैवी, और दैवी का अपोजिट लगभग बन रहा है अर्थी, पृथ्वी से संबंधित है। तो सबलाइन मतलब बहुत ऊंची क्वालिटी का, और लिडिक्रस मीन्स हास्यास्पद या लो क्वालिटी का। डी आंसर वाला कोई है साथी? जो वाइज लगाया उसे प्रुडेंट नहीं मानूंगा मैं।
क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं? क्यों सुमन, सुमन आप वही हो मुजफ्फरनगर से? सुमन शर्मा मुजफ्फरनगर होना चाहिए। ममता आपका दूसरा नाम प्रिया होना चाहिए, क्यों? आरुष राज, नाइस क्वेश्चन। चलो चलें, देखो मेरी याददाश्त तेज है, वैसे इस जमाने में कौन किसको याद रखता है इस भीड़ में, लेकिन फिर मैं आपको रखता हूं याद। चलो, 8 नंबर, चीजों को प्रायोरिटी दिया करो, ठीक है? गुरु का भी आपके जीवन में महत्व होता है, आप समझो ना समझो अलग बात। बैक्टीरिया इज टू इलनेस एज इज टू एक्सप्लोजन। थैंक यू। बॉम्ब एक्सप्लोजिव फायर अम्यूनिशन, बहुत ध्यान से जवाब करिएगा माय डियर। बैक्टीरिया का संबंध जो बीमारी से है, विस्फोट का वही संबंध किससे है? अब भैया इतना नजदीकी ऑप्शन इसमें दे दिया है इस बार कि जो दिमाग लगाएगा वही सही कर पाएगा, क्योंकि एक तरफ कह रहा है कि एक्सप्लोजिव विस्फोटक, और दूसरी तरफ कह रहा है एम्युनिशन बारूद, और वहां तो बम है ही और फायर आग भी दे दिया, तो मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया माय डियर। कहीं पर कोई विस्फोटक सामग्री रखी है, जैसे कोई बैक्टीरिया है तो इलनेस होने का खतरा है, ऐसे अगर आग है तो विस्फोट होने का खतरा है, क्योंकि वहां विस्फोटक सामग्री होगी तो एक्सप्लोजन हो सकता है, बिना फायर के नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि, हालांकि देखो आप सी आंसर लगाओगे तो आप डबली बेनिफिट हो जाओगे, क्योंकि एक्सप्लोजिव का मतलब विस्फोटक होता है, तो विस्फोटक ही तो होता है बारूद, इसलिए दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। समझ गए कि नहीं? राइट आंसर सी। मजा आया कि नहीं? क्वेश्चन अच्छा लगा वगैरह तो बोला करो कि ये सर आनंद आ गया, खुश हो गए हम, क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिला, दिमाग की बत्तियां भी जल गई। क्यों शैलजा? हाँ, शैलजा सिंह थम्सअप किया, इसका मतलब अच्छी बात है, क्वेश्चन सही है। देखो शिखा, टैसिट इज टू साइलेंट एज वैसी लेट इज टू डाउटफुल स्टैगर लीन वेवर। बहुत ध्यान से देखना, टैसिट इज टू साइलेंट, पकड़िए, वैसिलेट, अब यहां पर बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कहोगे कैसे गुरुजी? एक्चुअल में माय डियर, 9 नंबर में यदि आप लगाओगे आंसर डी तो आप सही हो जाओगे। बोलोगे कैसे? देखो जी, यहाँ पर मामला कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टैसिट मतलब होता है चुपचाप और साइलेंट भी शांत, तो सिनोनिम है, और वैसिलेट मीन्स होता है दोलन करना या डोलना, ऐसा करें कि ना करें, डोला रे डोला। और वेवर का मतलब भी तो होता है हिलना डोलना, अस्थिर भाव होना। यहां पर राइट आंसर आपका डी बनेगा। क्लियर हो गई बात? कितने लोग जुड़ चुके हैं देखें थोड़ी, वाह काफी संख्या में आ गए वो आप लोग भाई, मतलब आपको खबर मिल गई पेपर से संबंधित। चलो, कल रात में एक सूचना दे दी गई है ग्रुप में, अपने अपने देख लिया करो, ठीक है, पढ़ लिया करो। अब तो एक ही काम है अपना, ठीक है, कहो मत करके दिखाओ। आर्टिस्ट इज टू पेंट एज स्कल्प्टर इज टू स्टोन मड क्ले डिजाइन। इंसर्ट करो इस क्वेश्चन में। आपके बैच में, ग्रुप का मतलब बैच से, 10 नंबर।
टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ डेली क्विज मिलती है, क्विज में मुफ्त में क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, आर्टिस्ट का जो संबंध पेंट से है, मूर्तिकार का वही संबंध मुझे लग रहा है किले गीली मिट्टी से ही तो बनाएगा। तो आप ऑप्शन अगर सी के साथ जाओगे तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता, किले राइट आंसर होगा। चलें, सही जा रहे हैं आप लोग। यस, ही वॉज पनिश्ड टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइसेंसी। अच्छा वाला क्वेश्चन आ गया और कह रहा है कि नियरेस्ट वर्ड यानी सिनोनिम बताना है। समझने की बात यूं है कि भाई किसी को अगर पता नहीं है कि लासेनी क्या है तो वो पढ़ेगा मर्डर, फॉर्जरी, स्टीलिंग, डेकोटी मतलब डकैती, और चीं बां करके बैठ जाएगा। लेकिन जो हमारा साथी पढ़ा है वो तो सही आंसर करेगा ना, स्टीलिंग। और देखो मेजॉरिटी एकदम सही जा रही है, शाबाश। द ड्रग्स वर इनोक्युअस एंड हैड नो साइड इफेक्ट, इफेक्टिव हार्मलेस, इंपोर्टेड, न्यूली डिस्कवर्ड। जैसे ही आप देखोगे कि इनोक्युअस लिखा है, इनोक्युअस का मतलब ही होता है जिससे कोई नुकसान ना हो। यस, तो हार्मलेस आंसर बन जाएगा, कीटाणु रहित हो, नुकसान रहित हो। तो यहां पर आप बी ऑप्शन के साथ जाकर के बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, कोई डाउट की बात ही नहीं। आज लिटरेचर भी मिलेगा, बहुत ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो ऐसे ही अब आपको टीजीटी में तो डेली चलेगा, लेकिन टीजीटी वाले जो हैं उन्हें ऐसे ही अल्टरनेट डेली अल्टरनेट क्लास मिलती रहेगी फिलहाल। और जैसे ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पीजीटी का, फिर रेगुलर हो जाएगा, तब तक कंटेंट भी तैयार हो रहा है, आप पुराना रिवीजन कर लो, है ना। ही इज बीइंग ट्रीटेड फॉर हिज नॉमनिसेंस। अच्छा, वीकनेस, सीवियर पेन इन द जॉइंट्स, इंटॉक्सिकेशन, स्लीपीनेस। तो 13 नंबर में रेस्पॉन्ड करेंगे। कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा, नींद में चलने वाला वही से मेल खा रहा है, तो स्लीपीनेस हो जाएगा डी राइट आंसर। बहुत अच्छा जवाब, वेल डन, आनंदित रहिए, भगवान भोलेनाथ कृपा बनाए रखें। आइए नेक्स्ट। द प्यूपिल वॉज आस्क्ड टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। अब जवाब करिए, और देखो अगर आशीर्वाद लेके भाग गए तो मैं वापस ले लूंगा, नोट कर लो, सीधी सी बात है। गॉड ब्लेस यू। क्वेश्चन का आंसर करिए, द प्यूपिल वॉज आस्क्ड टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। करेक्ट, कंडोन, क्लैरिफाई, रिपीट। पढ़ने में मजा आएगा अगर पढ़ोगे, कल जो नहीं आता था आज वो आने लगा, मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है। करेक्ट, नेक्स्ट। आई यूज टू स्केट क्वाइट वेल बट आई हैव लॉस्ट द नेक नाउ। ऐसे साथी जिनका कोर्स एक्सपायर होने वाला है, वैलिडिटी देख करके समय आने पर रिपर्चेज करना है, एप्लीकेशन 1 ईयर में दोबारा से चार्ज लेता है, वैलिडिटी प्री डिसाइडेड होती है, तो मेरे पास मैसेज ना करें। करोगे भी तो अपना समय बर्बाद करोगे। हाँ, ये बात अलग है कि एडिशनल कोई चार्ज नहीं लगेगा, जो है 499 में 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है वो इस बात का ख्याल रखें। एजिलिटी, स्ट्रेंथ, स्किल, स्टेमिना। अच्छा, कुछ विद्यार्थी तो बहुत समझदार हैं, नेक मतलब वो जानते हैं कि कुशलता होती है, तो स्किल लगा दिए सी। कुछ को लगता है कि यार 500 भी गुरुजी ज्यादा लिए ले रहे हैं, लेकिन जो समझदार है वो जानते हैं कि सबसे
कम पैसे में और क्वालिटी कंटेंट अगर आपको कहीं मिल रहा है तो युवास है, वरना लोग 4,000 लेके भी कुछ समय बाद वीडियो भेजते हैं, लाइव क्लास नहीं देते हैं। फिर बच्चा कहता है गुरुजी फंस गए, काउंसलर से बात हो पाती है केवल, और ऐसे कई लोग, एक दो नहीं। तो वी हैव नो डाउट अबाउट द वेरेसिटी ऑफ द स्टेटमेंट, जियो और जीने दो के सिद्धांत में अपोजिट बताओ कि वेरेसिटी का मतलब क्या है, मोरेलिटी, फॉल्सिटी, प्रोप्राइटी, ट्रूथफुलनेस। आपको याद दिलाएं कि वेरेसिटी का मतलब होता है सत्यता, कुछ याद आया, ईमानदारी। अब भाई 16 नंबर में पकड़ना है आंसर, तो क्या पकड़ोगे, फॉल्सिटी, बी आंसर राइट। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं। गुड एक्शंस कैन नॉट कॉम्प्लेस वंस बैड क्वालिटीज, एग्जिबिट, डिमॉन्स्ट्रेट, रिवील, परेड। बड़ा यार जोरदार क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, दिमाग की बत्ती जलाएगा अगर ध्यान दोगे। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है ढकना, छद्म आवरण, उड़ाना, है ना, और एग्जिबिट मतलब प्रदर्शित करना, और रिवील मींस होता है खुलासा करना। ये दोनों बहुत नजदीकी हैं, एकदम ममेरे फुफेरे भाई हैं, समझ लो आप। 17 नंबर में अगर आपने सही आंसर लगा दिया तो आज तो बल्ले बल्ले पार्टी हो जाएगी। राइट आंसर है रिवील, जब रहस्य खोलने की बात हो तो रिवील लिखा जाता है, एग्जिबिट नहीं है। बहुत अच्छे, बिल्कुल भाई, देखो शादियों का भी दौर आ गया है ना, दो चार निमंत्रण भी मिलेंगे, ठीक। और एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 20 के बाद, हिज फैमिली हैज एक्यूमुलेटेड वेल्थ ओवर द इयर्स, ड्रेन्ड, स्क्वेंडर्ड, अमास्ट, डिस्पर्स। एक्यूमुलेटेड मतलब संचय करना। अब देखो ड्रेन मतलब बहाना, स्क्वेंडर मतलब उड़ाना, डिस्पर्स होता है तितर बितर करना, अमास एकत्रित। तो 18 नंबर में यदि आप बी ऑप्शन के साथ चले जाओ तो कोई बुराई नहीं है, स्क्वेंडर्ड, डिस्पर्स नहीं होगा, तितर बितर थोड़ी करोगे, चीज फैलाने की वस्तुओं के लिए होता है, यहाँ पर बी आंसर बनेगा। बहुत अच्छे, देखो जी, देयर वॉज अ मार्जिनल इंक्रीज इन हिज पे, अनफॉरसीन, नेग्लिजिबल, सिग्निफिकेंट, पेरिफेरल। 19 नंबर, मार्जिनल, इसके दो मीनिंग होते हैं, पहला तो किनारे का, दूसरा अमहत्वपूर्ण, तो अपोजिट लगेगा सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। केवल स्वाति, या नाम याद आ रहा, मुझे लग रहा है स्वाति शुक्ला आप हो, बहुत अच्छा जवाब। गीता गुड़िया भी एकदम एक्टिव हैं, है? बहुत ही स्मार्टली आंसर कर रहे हैं भाई। ममता, सुमन, दिस टॉनिक सर्व्स टू विटिलाइज योर हेयर्स, शॉर्ट इन इनफीविल, रिप्रेस क्लेमर। तो देखो यहाँ 20 नंबर में विटिलाइज का मतलब क्या है, क्या बनाना, ताकतवर बना देना, वाइटलाइज, और इनफीबल मतलब कमजोर, अपोजिट लगाना था, हो गया, शॉर्टन नहीं होगा, कौन लगा रहा है शॉर्टन, छोटा नहीं करेगा आपका ध्यान मतलब बालों में रहता है कि बस बड़ा कर दे, हैं? बड़ा और छोटे में चले गए, गलत हो जाएगा, बी आंसर राइट होगा। क्यों प्रियंका जी, तो भाई इस समय देखेंगे कि किसके किसके जवाब सही आ रहे हैं, क्या बात है, कोई खाना बनाने तो नहीं चला गया, सुनते रहा करो ईयरफोन लगा के, अगर खाना वाना बन रहा बनने दो, ठीक है। हाँ तो माय डियर, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, ठीक है, आप लोग जितना कंटेंट है उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है शैलजा जी।
और दूसरी बात ये आप समझ लें कि इस मंथ में देखो, तो मुझे वो लोग पसंद हैं जो इस सारे में बात समझें, ठीक। इस मंथ में प्रयागराज फूलपुर विधानसभा चुनाव में इलेक्शन है, 20 को इलेक्शन है, तो 19 को रवानगी है, तो 19 और 20 आपकी क्लास ऑफ रहेगी नवंबर में, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट में लगा दूंगा, वो अटेम्प्ट करते रहना और प्लस रिवीजन करते रहना। अब चलते हैं आगे, इशारों ही इशारों में सब समझ गए। अब चलते हैं 21 की ओर। टू प्रमोट ट्रेड इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स, रिड्यूस रिलैक्स ब्रेक मॉडिफाई। ट्वेंटी वन, बड़े दिमाग से आंसर करो। क्यों रिड्यूस लगा दिया भाई? टू, लो मैं आपको इसमें अंदर घुसाना सिखाता हूं, क्वेश्चन के अंदर कैसे घुसा जाता है। जब तक आप ये नहीं सीखोगे ना तो गलत ही होता रहेगा। देखो मेरे साथ चलो। टू प्रमोट ट्रेड, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, इट इज नेसेसरी, आवश्यक है, फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, टू रेस्ट्रिक्शंस कि वो जो रोक है ऑन एक्सपोर्ट्स, निर्यात पर रोक, रिड्यूस घटाए, रिलैक्स छूट दे, ब्रेक मॉडिफाई। तो यहां रिलैक्स हो जाएगा, छूट देने को ही रिलैक्स कहा जाता है। रिड्यूस तो फिर दूसरे तरीके का हो गया, ठीक है, इतना है तो इतना कम कर दो। यहां बी आंसर बनेगा, रिड्यूस नहीं होगा। जब वो समझो, थोड़ा दिमाग अगर है तो लगा दो। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई अब हम सपोज दैट आलू महंगा हो रहा है, उसने कहा कि आलू को अब एक्सपोर्ट पर रोक। रेस्ट्रिक्शन का सीधा मतलब होता है रोक। लेकिन अब जैसे महीना आया, मान लीजिए नवंबर आ गया, उसने कहा कि भाई थोड़ा रिलैक्स दे दिया जाए, यानी एक्सपोर्ट कर लो। तो ट्रेड को अगर प्रमोट करना है तो रिलैक्स देना पड़ेगा। रिलैक्स का मतलब ढील। चलो भैया, 1 तारीख से 5 तारीख तक अपना जितना कर सकते हो निकाल लो। तो रिलैक्स अप्रोप्रिएट है ना कि रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब तो घटाना होता है मात्रा आदि को। तो आपने अगर मोटा दिमाग लगाया तो पतली वाली बुद्धि लगाओ। बुद्धि दो होती है, एक मोटी एक पतली। कहाँ कौन सी फिट करना है, दोनों हैं आपके पास, सबके पास होती हैं। क्लियर हो गया? चलें। हाँ, वी हैड अ ऑफ वार्म वेदर इन फेब्रुअरी, फेज लेंथ स्पेल टाइम। कहते नहीं कि तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आएगा, और स्पेल को दौर कहा जाता है, तो कुछ समय के लिए जोरदार आता है, स्पेल ऑफ वार्म वेदर। एकदम राइट आंसर है सी, सब सही जा रहे हैं, बहुत अच्छे। द लैंड लॉर्ड हैज थ्रेटन्ड टू मी इफ आई डू नॉट वैकेट द हाउस बाय नेक्स्ट मंथ, चार्ज सू सस्पेंड अक्यूज। आपने कमरा किराए के लिए ले लिया, आप खाली नहीं कर रहे हो, तो मकान मालिक धमकी देगा। क्या धमकी देगा बताओ? अगर आप दबंग टाइप के आदमी हो तो आपका सामान तो बाहर फेंक नहीं पाएगा, क्योंकि आप उस पर भारी पड़ रहे हो। वो यही कह सकता है कि मैं कोर्ट में देख लूंगा। सो मीन्स होता है मुकदमा दायर करना, और ये बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू उमेश जी, बी आंसर। देखो, हम बेस्ट तब होंगे जब आप लोग सिलेक्शन देंगे, क्योंकि हमारी पहचान हमसे नहीं, आपसे है। आप जब बोलोगे स्टेज में जाकर के कि मैंने इवास में पढ़ा है, गुरुजी ने अच्छे से पढ़ाया, मेहनत किया, तब हम बेस्ट अपने आप फिर हो जाएंगे। द स्पेनिश रिगार्डेड हिम एज एन एंड कॉल्ड हिम अ विलन, इम्पोस्टर, अपोसिल, इन्फॉर्मर, आर्चर। इसमें डूब के समझो। द स्पेनिश रिगार्डेड हिम एज एन, और उसे विलन कह दिया। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि इन्फॉर्मर तो होगा नहीं,
आर्कव यानी कि जो विद्या ये चलाता है धनुर्विद्या, ठग इपॉसिबल भी मतलब नहीं, मेरे नजर से तो आप 24 में चले जाइए ए आंसर के साथ, और अगर आप जा ही रहे हो तो सही हो, राइट। दिस आइटम विल नॉट फिगर इन द फॉर टू डेज मीटिंग लिस्ट शेड्यूल प्रोग्राम एजेंडा। जैसे आज हमको मीटिंग लेनी है तो उस मीटिंग के लिए पूरा हिंट दे दे रहा हूं, हम क्या तैयार करते हैं, एजेंडा। और यही आंसर सही है, याद रखना। क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग शेड्यूल कुछ प्रोग्राम लगाएंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और एक चीज और सुन लो, जब मैं आपका मॉडल पेपर आपके लिए बनाऊंगा गेस पेपर, उसमें इन क्वेश्चंस के जैसे क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन 80% नहीं होंगे, क्योंकि वहां मुझे देखना है कि आप कितना सीख गए हो। पहलवान को दांव पे सिखाया जाता है अपने घर के अखाड़े में, पहलवान जब लड़ता है वो दूसरा पहलवान होता है, लेकिन वो अगर प्रैक्टिस अच्छे से किया है तो पटकनी लगा देता है, और यही आपके इस गुरु का काम है। इम्प्रूव द सेंटेंस ही हैज अ हाउस फॉर लेटिंग, कहीं पर कमरा किराए के लिए खाली हो तो लिखा रहता है टू लेट, बस इतना ही पर्याप्त होता है। कुछ लोगों का मन नहीं मानता, लिख देते हैं टू लेट ब्रैकेट में रूम है रेंट, इसका मतलब ये होता है कमरा किराए के लिए खाली है। तो आप लोग ध्यान रखना भविष्य में, ठीक है, गलत नहीं लिखोगे। प्लीज रिमाइंड मी ऑफ पोजिंग दीज लेटर्स ऑफ माई रिलेटिव्स, पोस्टिंग लिखा है फॉर पोस्टिंग टू पोस्ट बाय पोस्टिंग। एक सुनील कुमार नाम से हमारे विद्यार्थी, उन्होंने एक ऐसा नोट्स डिमांड कर दिया जो मेरे पास केवल मेरा वाला पर्सनल बचा था मैंने वो भी उनको भेज दिया, क्योंकि अगर आपका कल्याण हो रहा है तो फिर हमारा तो अपने आप हो जाएगा। रिमाइंड समबडी टू डू समथिंग, बहुत अच्छा जवाब है, जितने लोग टू पोस्ट लिख रहे हैं शाबाश। उद्देश्य, अ बॉय हैज सीन संक इन दिस रिवर, ड्राउंड इमर्ज्ड सबमर्ज्ड। तो जो दिया है संक, ट्वेंटी एट नंबर में बोलेंगे, सभी जानते हैं कि संख क्या होता है, पैर धसने के लिए होता है, जमीन धसने के लिए, लेकिन डूब वस्तु डूब जाए तो सिंक लगा सकते हो, व्यक्ति डूब रहा है तो आप ड्राउंड का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेल डन। नेक्स्ट, हिज मैनर्स इंडिकेट दैट ही हैज नो अदर इंटेंशन देन टू स्टील हिज मनी रादर एक्सेप्ट, बट 29 में आपको रेस्पॉन्ड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सभी प्यारे साथी इस बात को समझें कि हम नो अदर के बाद बट लगाते हैं, लेकिन उसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट, सिवाय। इस बट का मीनिंग क्या होता है, एक्सेप्ट, सी राइट। और आप सभी को बताते चलें, बहुत छोटी सी और महत्वपूर्ण बात, कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। Had we been on time, we would not have missed the train. Had में यानी कि इन्वर्जन लगा है, और जब पहले पार्ट में हैड प्लस वी थ्री है तो दूसरे में उड है प्लस वी थ्री,
क्या ये स्ट्रक्चर सही होता है? तो बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट। बहुत अच्छा रमेश, अंजना, अर्चना त्रिपाठी, स्वाति, प्रवीण कुमार। देखो दो प्रवीण है, आप कौन से प्रवीण हो बताओ, थोड़ा फतेहपुर वाले हो या दूसरे? प्रवीण दो हो गए, दोनों अच्छे हैं भाई, जो लगातार क्लास करेगा, साथ नहीं छोड़ेगा, वो सिलेक्शन लेगा, लेकिन सिस्टमेटिक पढ़ेगा, तब डेली चीजों को तैयार करेगा, लिटरेचर लैंग्वेज में डेली दो दो घंटे रिवाइज करेगा, तब। वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द idiom और फ्रेज। अच्छा, घाटमपुर कानपुर से हो आप, सही हो तो फिर क्या दिक्कत है, इस बार क्लियर करना है, पिछली बार थोड़ा रुक गया था। प्लीज कीप क्वाइट, कीप इन माइंड, बी ओवर विथ, कैच द बुल बाय द, होल्ड योर टंग। ये थोड़ा उल्टा पूछा है क्वेश्चन, कह रहा है कि प्लीज कीप क्वाइट किस idiom का मीनिंग होगा, है उल्टा कि नहीं? 31, अपनी जवान पर लगाम दो, होल्ड योर टंग, टी इज द राइट आंसर। काफी अच्छा जा रहा है वो आप लोग, अविनाश भी आ गए भाई, बहुत अच्छा। डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स, डिग होल्स, पिक अप अक्वेरल, क्रिटिसाइज। तो मुझे लग रहा है कि 32 में आप लगा दो क्रिटिसाइज, सी। What does the idiom be all and end all means? पढ़िए ऑप्शन, जवाब करिए। From beginning to end, that which begins well, that which ends well, the whole and soul. 33 में रेस्पॉन्ड करना है और आप गलत और सही जा रहे हैं, लेकिन राइट आंसर है द होल एंड सोल। कुछ लोग ए लगा करके भारी भूल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको डी ऑप्शन ही लगाना चाहिए था। तो आपने एक क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया, और अगर दूसरा देखो गलत करोगे तो फिर तुरंत आउट हो जाओगे गेम से। दो क्वेश्चन में खेल होता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द idiom यूमैन सर्विस, प्राइवेट वर्क, गवर्नमेंट वर्क, मीनेस्ट वर्क, एक्सीलेंट वर्क। गिविन ऑप्शंस में ही आपको जवाब देना है कि क्या होना चाहिए। तो एक्सीलेंट वर्क हो जाएगा, 50 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन आंसर शानदार करो। 50 में 49, 48 यानी 48, 49 इतना सही हो रहा है तो बहुत अच्छा। 45 है तो फिर आप ठीक हो, अच्छे नहीं। विद अ हाई हैंड मींस, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो, नया है कुछ। अ प्रेजवर्दी वे, इन अ डिक्टेटोरियल वे, अ हैस्टी वे, इन एन ऑनरेबल वे। तो 35 में आप डी के साथ जाएंगे, सॉरी माय अपोलॉजी फॉर इट, यहां पर मैं माफी चाहूंगा कि गलती से गलत आंसर लग गया। हाई हैंड का मतलब है डिक्टेटोरियल वे, तानाशाही तरीके से। तो अगर कोई डी लगाया है तो वो एकदम गलत है, बी वाला सही। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था लेकिन वो बाय मिस्टेक हुआ, आंसर बी होगा एकदम कंफर्म। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 36, मीनिंग आपको बताना पड़ेगा। स्पेलिंग तो ए सही है, लेमोसाइन। 37,
37 में आप जाएंगे किस ऑप्शन के साथ? इरिकंसिएबल सी आंसर। यस लीजिए 38। रूमेटिक RHEUMATIC। ए वाले बिल्कुल राइट हैं और बहुत सही है। सभी वर्ड्स की मीनिंग आपको डिक्शनरी देख के लिखना है आज कॉपी में। अच्छा थोड़ा पेन चलाते रहा करो, ठीक है, नहीं तो एक समय के बाद केवल आंखें चलती हैं, हाथ नहीं चलते, ठीक, मन चलता है। 39। सभी का मीनिंग आप नोट डाउन करेंगे। कॉन्क्यूपिसेंस ऑप्शन बी राइट है 39 में। लीजिए 40 नंबर। सही ऑप्शन पकड़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मीनिंग आपको आज लिखना है और जितने भी साथी हैं वो एक के साथ जा रहे हैं, बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छे। और अब आपका सपोर्ट केवल इसी रूप में चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ भी अपने कोर्स के विषय में, इवास ऐप में जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके विषय में बताएं। और लीजिए लिटरेचर से क्वेश्चन नंबर 41। शेक्सपियर ओन्ड ग्लोब थिएटर बट इट वॉज बर्न्ड ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ। तो यहां पर एक बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर और ये राइट आंसर क्या होने वाला है? हेनरी एट्थ। ग्लोब थिएटर में इनका मालिकाना हक था शेक्सपियर साहब का, और जब हेनरी एट्थ का परफॉर्मेंस चल रहा था उसी समय ये जल गया। तो भाई डी आंसर एकदम सही। विच इज द अदर प्ले देन टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व द क्लासिकल यूनिटीज। दो ही प्लेज माने जाते हैं, एक तो आपका टेम्पेस्ट और दूसरा कौन सा है जो क्लासिकल यूनिटीज, थ्री यूनिटीज, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन को फॉलो करता है। तो हमारे बीच में ए बी सी डी लगाने वालों की एक बहार आ गई है, बट राइट आंसर है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। वेल डन, बिल्कुल सही जवाब, बेहतरीन आंसर कर रहे हैं आप लोग। हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट की हीरोइन का नाम क्या है? मिरंडा। मिरंडा ही है ना, क्यों? मिरंडा एकदम सही आंसर जा रहा है। मिरंडा इज द राइट आंसर। यहां सी ऑप्शन लगाने वाले बिल्कुल सही हैं। हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर? ये बड़ी बात किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 44 में। और क्या लिखा उन्होंने कि कोई भी व्यक्ति किंग लियर से बेहतर ट्रेजेडी नहीं लिख सकता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये लिखा और मुझे उम्मीद है कि सोने से पहले आप इसे एक बार अच्छे से याद कर लेंगे मन में, है ना? ना देखो कभी ऐसी पढ़ाई किया करो कि ना कॉपी हो, ना किताब, ना मोबाइल, लेकिन आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, कोई आपको रोक नहीं सकता, कुछ भी कर रहे हो, व्हाट एवर यू लाइक और यू आर कंपेल्ड टू डू, बट आपका मन कहाँ होना चाहिए? पढ़ाई में इतना करके देखो, फिर देखो कैसे नहीं सिलेक्शन मिलता है, मजबूर हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज अ ट्रेजेडी कॉमेडी हिस्ट्री प्ले, ट्रेजिक कॉमेडी।
45 कॉमेडी, ऑप्शन बी राइट। गलतियां होंगी लेकिन समय के साथ सुधारते रहे। हु यू आर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में प्यार नहीं किया तो क्या खाक किया, और प्यार क्या प्यार है जो पहली नजर में ना हो। क्यों सही है। शेक्सपियर यूज इट इन एज यू लाइक इट, बट हु इज द कंपोजर ऑफ दिस इमॉर्टल लाइन। काफी घुमा करके क्वेश्चन दिया गया है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, और आप पढ़ के आए हैं तो बिल्कुल आप सही जवाब लगाएंगे। फीबे मार्लो, ऑप्शन बी राइट है। ए नहीं, शेक्सपियर नहीं, ठीक है, मार्लो से उधार लिया था इन्होंने। व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, आप बहुत आगे निकल गए भाई, एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टाफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ। कैसा कैरेक्टर है, सिंपल कॉम्प्लेक्स नोविसिज कैरिकेचर। शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ में फाल्स्टाफ नाम का जो कैरेक्टर है, इसे आप किस तरीके का कैरेक्टर मानते हैं 47 में? तो राइट आंसर होने वाला है कैरिकेचर, यानी कि डी। स्पीड बनाए रखें, मन करेगा तो कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा देंगे 50+। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वॉल्टमैन एंड कर्नलस अपीयर। ऑप्शंस पढ़िए और रेस्पॉन्ड करिए, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। और बिल्कुल जो आप लगा रहे हैं मैक हैमलेट, वो एकदम सही है। नेक्स्ट, शेक्सपियर बारोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम। एक बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हैं, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आ रहा है तो अच्छी बात है। रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्लेज इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पांडोस्टो। तो भाई 50 नंबर में अगर आपका दिल कहे, पहले तो आप लगा दो विंटर्स टेल, और अब अगर आपका दिल कहे तो 10 क्वेश्चंस और करा दूं, मोस्टली वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। बोलो आप, अगर आपका दिल कहे तो बोलिए। Who praised Wordsworth as the poet of humanity? तो राइट आंसर क्या है, जॉन केबल। ए राइट। नेक्स्ट, चलिए तो बढ़ते चले फिर। Wordsworth was the only poet laureate to write no religious, official, moral, offending verses. आप सभी को ये पता है कि वर्ड्सवर्थ एक ऐसे पोइट लॉरिएट थे जिन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, ऑफिशियल वर्स जिनकी कुछ है ही नहीं है, बस बन गए नाम के लिए। और पहले का ट्रेंड यही था कि भाई वो लिखते थे ऑफिशियल कुछ, तो बी ऑप्शन उनका बना दिए, ठीक है, बने हैं। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एज इगोटिस्टिकल सबलाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर क्या है, जॉन कीट्स। प्यार से देखो, सुनो, चीजें एग्जाम में गलत ना होने पाए। बस ओसवाल्ड मार्मेड्यूक, लॉर्ड हर्बर्ट, लेसी वेलेस, एडोनिया एंड लॉर्ड क्लिफोर्ड आर द कैरेक्टर्स इन वर्ड्सवर्थ। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कैरेक्टर्स से रिलेटेड होते हैं, तो आपको याद रखना है। द बॉर्डर्स, ऑप्शन ए राइट।
In the essay, the preface to the lyrical ballads, William Wordsworth manifested the guideline. चलिए बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 55 में आपको जवाब देना है. ऑर्डिनरी लाइफ इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोएट्री. एवरी डे लैंग्वेज इज बेस्ट सुटेड फॉर पोएट्री. एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट. पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस वर्क फ्लो ऑफ इमोशन दैट टेक्स इट्स ऑरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. विलियम वर्ड्सवर्थ. ऑल ऑफ दीज. तो भाई यहाँ पर ई हो जाएगा क्योंकि सभी जवाब सही है. इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर. दिमाग लगाइए और यहां जवाब कर दीजिए सीधे. क्या आंसर होने वाला है? तो वो है टिंटर एबे. टिंटर एबे के बारे में अगर मैं आप लोग कहें तो ऐसे छोटे छोटे वीडियोज में बनाना शुरू कर दूं. इसमें केवल 10 से 12 पॉइंट हैं जो क्वेश्चन आ सकते हैं. बस ये 10 12 पॉइंट मैं आपको दे दूं, आप रिवाइज कर लो. और वो कहां से देंगे? टीजीटी का जो सिलेक्टेड नोट्स है उसी से उठाएंगे. क्यों चाहते हो? क्या बता दो, ऐसे रिवीजन होता रहेगा. हम चलो. इन विच पोइम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर. बताइए भाई. 57 में इंपॉर्टेंट लाइन है और ये लाइन है इमोर्टेलिटी ओड से. डी आंसर. सभी साथी अच्छा कर रहे हैं. दो से तीन क्वेश्चन और देखना है बस. इन वर्ड्स वर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज अ गर्ल फ्रॉम आयरलैंड स्कॉटलैंड अरेबियन सैंड. तो यहां पर राइट आंसर है अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड. बी. वर्ड्स वर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ. क्या है ये? गलती नहीं करेंगे भाई, ये प्रोज नहीं, वर्स ट्रेजेडी होगा. सी. यस, बहुत अच्छे स्वाति, गीता एंड अदर्स. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ. 60 नंबर आप रेस्पॉन्ड करेंगे. देखो लंडन 1802 तो सही है. स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन ये भी द सॉलिटरी पर. राइट आंसर होगा ऑप्शन डी. क्लास कैसी लगी कमेंट करके अभी बताएं. बाद का काम उधार वाला नहीं रखेंगे. आप लोग ठीक से पढ़ते रहें, रिवीजन करिए और चीज अपना खुद से टाइम टेबल बनाओ कि हमें कितने घंटे क्या देना है. रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा, रिजल्ट की चिंता ना करें. लेकिन आप कंफ्यूजन से बचें. मेन एग्जाम से पहले इस तरीके से पढ़ें कि चीजें कंफ्यूजन में ना चली जाएं. क्योंकि अगर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर बस वहीं से चीजें गड़बड़ा जाती हैं. तो आप अच्छा करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बहुत जोरदार करें, सेल्फ से कई बार चीजों को रिवाइज करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म में. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर एंड कीप ऑन लर्निंग.